हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भेल शेयर के ऊपर। अगर हम लोग बात करेंगे भेल के शेयर में, आज तकरीबन हम लोगों को 4% से ज़्यादा का तेज़ी देखने को मिला। तो आखिर इस स्टॉक में कब आपको अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट होगा? तो चलिए इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल टेक्निकली बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो स्टॉक में रिसेंट हम लोगों को बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं तो क्लियरली आपको इस लाइन के रिसेंट एक्शन के लेफ्ट में देखने को मिल रहा है, जो स्टॉक इस लेवल पे प्रीवियसली भी सपोर्ट लिया है। यहाँ पे आपको सपोर्ट लिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्ट किया था, और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। वीकली बेसिस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वीकली बेसिस पे आपको दिख रहा है जो प्रीवियसली भी स्टॉक इस लेवल पे सपोर्ट ले चुका है, और वीकली बेसिस पे हम लोगों को एक अच्छा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन जो है देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली जो मोमेंटम स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आपको जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है दिसंबर मंथ से ही, दिसंबर में स्टॉक ने ऊपर के लेवल से यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुआ था, और दिसंबर मंथ से ही, तो ऑलमोस्ट 3 मंथ से स्टॉक जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको डेफिनेटली कंजुकेटिव 2 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के पास वापस से सेलर्स जो है जरूर ट्राई करेंगे, और उसके बाद अगर यहाँ पे बायर्स इस लेवल को ओवरकम करने में सक्सेसफुली हो जाता है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करा जाता है, और 73 के लेवल के ऊपर अगर बायर सस्टेन कर लेते हैं प्राइस को, तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहां पे कि पहला टारगेट रहेगा 80 का और दूसरा टारगेट रहेगा आपका 90 का। डाउन साइड में अगर हम लोग बात करेंगे तो डाउन साइड में जो आपका रिस्क रहेगा वो रहेगा 66 रुपीज का आपका SL रहेगा, तो 7 पॉइंट का आपका रिस्क रहेगा, पहला टारगेट आपका 80 का, दूसरा टारगेट 90 का। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, कौन से लेवल के बाद एंट्री लेना है, क्या आपका SL होने वाला है और क्या आपका टारगेट होने वाला है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।